वहीं जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने ट्रैफिक कार्यालय नेहरू नगर में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने ट्रैफिक निरीक्षकों उप निरीक्षकों की बैठक ली। बैठक में मुख्य चौक चौराहों बाजारों में यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रखने चर्चा की गई। जिले की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने प्रमुख बाजारों में पार्किंग चौक चौराहों में यातायात के नियमों का पालन वाहन चालकों से कराने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वाहन चालकों पर कार्रवाई करने ट्रैफिक कार्यालय नेहरू नगर में ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने यातायात के निरीक्षकों उप निरीक्षकों आरक्षकों की बैठक ली। बैठक में स्थिति को बेहतर बनाए रखने ट्रैफिक डीएसपी ने दिशा निर्देश दिए तथा अपने मातहतों से सुझाव भी मांगे। विशेषकर फोर लेन में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित रखने की ठोस कार्य योजना बनाने बैठक में सहमति बनी। बैठक की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात के सभी चारों जोन के प्रभारियों को डेंगो पेट्रोलिंग की सभी की आज बैठक ली गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो अपने अपने भीड़ क्षेत्र का लगातार पेट्रोलिंग करें और जो भी अनावश्यक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़े करते हैं उस पर लगातार कार्रवाई करें। इसके अलावा जो उनके उनके क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट है, ग्रे स्पॉट है, जहाँ दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है, उन स्थानों पर जरूर उसमें विजिट करें, वहाँ पर कार्रवाई करें और लोगों को जागरूक करें। और जो बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं और जो रॉन्ग साइड वाहन चलाते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं वहाँ चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है, वैसे वाहन चालकों पर कार्रवाई भी करें और उनके लाइसेंस निलंबन के लिए हमारे पास प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा जो मार्केट एरिया है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जिसके कारण लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है, तो वहाँ पर शाम को पेट्रोलिंग करें, पीक आवर में पेट्रोलिंग करें और हमारे पास इमोबिलाइजर है, लॉक है, उसका उपयोग करें। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी स्कूल के हैं वहाँ पर जब स्कूल लगता है, स्कूल छूटता है, ऐसे स्थानों पर विशेष सतर्क रहें, वहाँ पर बच्चों के स्कूल के छूटते समय और लगते समय विशेष ध्यान रखें और समान जानकारी दी गई है उनको, और ताकि कोई एक्सीडेंट होता है, घायल की मदद करता है गुड सैमरिटन, तो ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 रुपये इनाम के भी दिया जाना है, तो ऐसे लोगों की सूची भी हमको उपलब्ध कराएं ताकि उनको जो 5,000 रुपये की राशि है उसको उपलब्ध कराया जा सके। बहरहाल दुर्घटनाओं को रोकने वाहन चालकों को भी यातायात के नियमों का पालन किए जाने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।